हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस लालश की इमर्जिंग वेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो हम बात करेंगे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, उससे अफिलिएटेड है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके बारे में। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज कट ऑफ गई है, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब जो मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता उनकी कितनी कट ऑफ गई है, कितनी फीस है, टोटल कितना बेड का हॉस्पिटल है, सारी कंप्लीट इस वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे एडमिशन होती है सब बात करेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जामिया हमदर्द बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसी से अफिलिएटेड हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये अफिलिएटेड है। अगर डीम यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम यूनिवर्सिटी में ये हमदर्द इंस्टीट्यूट का बहुत ही मतलब टॉप पे नाम आता है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है जो नई दिल्ली में लोकेटेड है। सबसे प्लस पॉइंट है ये कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो एक बच्चों का ड्रीम सिटी होता है कि न्यू दिल्ली में पढ़ना है, तो आपको न्यू दिल्ली में ये कॉलेज लोकेटेड है। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2012 में एस्टैब्लिशमेंट है, 2012 से ये कॉलेज चल रहा है। और फीस की बात करें तो जो आपको कम फीस में जो है डीम यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी है उसमें कम फीस में आपको बहुत ही बेस्ट कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो इसकी इसीलिए जो है कट ऑफ जो कई बार ज्यादा जाती है। अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। मुस्लिम माइनॉरिटी अगर आपका है, मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको कम नंबर पर भी यह कॉलेज आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले कट ऑफ की बात करें मुस्लिम माइनॉरिटी, तो कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की बात करता हूं सबसे पहले, जो ओपन कैटेगरी से मतलब कोई दूसरा भी बाकी सभी बच्चों के लिए, राउंड वन में इसकी 47,464 इसकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। यानी कि अगर आपका इस बार ऑल इंडिया रैंक 50-55,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, 60,000 के अंदर है आपका ऑल इंडिया रैंक, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल रहा है, मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी स्टेट से लोकेटेड हो, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी कोटा, जिसकी काउंसलिंग जो है एमसीसी के थ्रू होती है, ऑल इंडिया कोटा 15% के साथ में होती है। वहीं राउंड टू में इसकी कट ऑफ जो है 37,040 गई थी, मतलब राउंड टू में जो है कट ऑफ जो है इसकी बढ़ मतलब कम गई है। ऑलरेडी 47,000 इसकी राउंड वन में गई थी और 37,000 राउंड टू में गई है, तो कट ऑफ जो है बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज है। ऐसा कॉलेज जो है कई बार आपको राउंड वन में जो कॉलेज मिलेगा, जो अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, राउंड टू में वो कॉलेज नहीं मिल पाता, उससे मतलब बेकार मिलेगा। तो जब भी आपको अगर कोई कॉलेज लेना चाहते हो और प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, तो खास करके राउंड वन में जो कॉलेज मिल रहा है तो आप आराम से ले लीजिए, क्योंकि राउंड वन में जो कॉलेज आपको मिल रहा है ऐसा मान के चलो कि वो आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है। राउंड टू में जो है कट ऑफ बढ़ जाती है जनरली ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज की ऐसा ही सीन होता है। वहीं मॉपअप राउंड की अगर बात करें तो 27,000 इसकी मॉपअप राउंड में कट ऑफ गई है, मतलब बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, इसकी सीटें वगैरह पहले फुल हो जाती है, इसलिए जो है मॉपअप राउंड में और कट ऑफ कम चला गया। 27,000 ऑल इंडिया रैंक जो है 27,484 पे ये कॉलेज मिला था। तो ये सीक्वेंस है इसका, मतलब जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये इसका राउंड वन राउंड टू में बता दिया। अब मुस्लिम माइनॉरिटी का बता रहा हूँ, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में राउंड वन में इसका जो कट ऑफ किया है 109,814, यानी कि लास्ट ईयर 109,814 जिसका रैंक था उसको ये राउंड वन में ये कॉलेज मिल गया है। अगर आप लोग का 1,20,000 के आसपास भी 1,15,000-20,000 ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, तो आपको ये मान के चलो इस बार ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वहीं राउंड टू की बात करें तो 70,000 पे ये कॉलेज निपट गया था। मॉपअप राउंड की बात करें तो 31,000 इसकी मॉपअप राउंड में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जो कोटा है उसके थ्रू इसकी कट ऑफ गई है। सीट की बात करें तो टोटल 150 सीट है इस कॉलेज में, मैनेजमेंट कोटा से की 53 सीट है, मुस्लिम माइनॉरिटी की 75 सीट है और एनआरआई कोटा का जो है 22 सीट है। एनआरआई कोटा का कट ऑफ की बात करें तो 12 लाख ऑल इंडिया रैंक इसका लास्ट ईयर मतलब कट ऑफ गया मॉपअप राउंड में, मॉपअप राउंड में जिसका ऑल इंडिया रैंक 12 लाख था एनआरआई कोटा से उसको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 740 बेड हॉस्पिटल है, 740 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है, 740 बेड अच्छा खासा होता है। फीस की बात करें तो 1 साल का 16 लाख इसका 1 साल का फीस है। एडमिशन के बारे में बता दिया, कट ऑफ बता दिया, फीस बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अगर जिन लोगों को भी इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए या फिर पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया है, उसको आप फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।